हम लोग ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप को एरोमेटिक से लगा हो सपोज NH2 ये वाला है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमारा जो है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में मोर बेसिक कौन होगा, विच वन विल बी मोर बेसिक अमंग दीज। तो इन दोनों में मोर बेसिक जो होगा ये होगा मोर बेसिक, ठीक है। क्यों होगा मोर बेसिक, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। अगर ये ग्रुप ना होता तो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब इधर बढ़ेगी तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल में क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ही रही है, ऊपर से उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए और एक पावर लग गया जाते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक, ठीक है। ये मोर बेसिक हो जाएगा और ये लेस बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर हम यहाँ पे रिंग बना दें और यहाँ पर हम NH2 लगा दें, तब पूछा जाए इसको ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं ये सबको पता है, जैसे कि सी डबल ओ एच लगा है, CHO लगा है, CO लगा है, COOR लगा है, ठीक है, NO2 लगा हुआ है, ये सब SO3 एच लगा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में एनिलीन जो होगा लेस बेसिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जैसे CH3 OH, ठीक है, इसके अलावा CL OR, ये सब ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो ये इसको मोर बेसिक बनाएंगे, ठीक है। बोल नहीं रहे हो कि दिख नहीं रहा है, तो तुम लोग ना गजब वाले, आवाज मेरी आ रही थी सबको, देखो। तो अगर ये कंडीशन है यहाँ पे, एक तो एनिलीन है, एनिलीन में दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा एनिलीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बीच में एनिलीन है जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लेस अवेलेबल बनाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को लेस अवेलेबल बनाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये रिंग खींच रही है और फिर उसके बाद उसके बावजूद जो है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन को और खींचने वाला लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कि सारा रिंग की तरफ आ जाएगा, इसलिए लेस अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा ये जो बेंजीन रिंग है, अगर उसके साथ बेंजीन रिंग के साथ जो है बेंजीन रिंग के साथ अगर जो है कि सी डबल ओ एच लगा है, CHO लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, NO2 लगा है, SO3H लगा है, COR लगा है, तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो है ये लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिलीज कर रहा है हमें, तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे रिंग के ऊपर बढ़ जाएगी और रिंग को इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं खींचना पड़ेगा, ये मोर अवेलेबल हो जाएगा, मोर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा। अब अगर ऑर्डर में लगाना हो तो ये जो लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक है इससे, ठीक है, ये बात आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अभी तो ये हो गया, दूसरा एक कंपाउंड हम यहाँ पे देते हैं, इसको ऑर्डर में लगाना है। ये हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा गलती हो रही है, जब भी देखो तब हमेशा गलती हो रही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जवाब आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जवाब आता है, ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रख कर के सभी लोग पेपर में करना, क्योंकि इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है, तो इस चीज़ को तैयार करना पड़ेगा। और ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि गलती ना हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाना हो तो कैसे लगाओगे है? इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? ये हमारा आर्थो मेथिन एनिलीन है, एनिलीन, और ये हमारा है एनिलीन है, और ये है मेटा एनिलीन, मेटा मेथिन है, मेथिन एनिलीन, और ये है पैरा मेथिन एनिलीन, एनिलीन, तो क्या होगा बताओ, कुछ आइडिया आ रही है? देखो अगर यहाँ, हाँ कोई बोलना चाहेगा? खुशी सिंह, एनीवन, आदर्श, आदित्य, देखो ठीक है, नहीं आई नहीं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ध्यान में, तो इधर तो ध्यान लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये क्यों होगा, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि मेथिल ग्रुप जो है सीध में लगा हुआ है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ऐसे केस में ये वाला कम हो जाएगा इस वाले से, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि ये इससे कम हो जाएगा, मतलब ये लेस बेसिक है दिस वाले से है, हालांकि ये मेटा पोजीशन में लगा है, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एरिया खुली है, तो ये फिर भी इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर रहा है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि इन दोनों में अगर डिसाइड करना हो तो क्या होगा, ये इधर रहेगा ये इधर रहेगा, क्या होगा बोलो, या जिस ऑर्डर में लगे वो ऑर्डर सही है, इन दोनों के बीच में कैसा साइन लगेगा, ऐसा लगेगा या ऐसे साइन लगेगा,
If anybody want to give and why, and why, कौन सा इसमें साइन लगेगा, ग्रेटर देन और लेस देन, एंड वाई और क्यों, ठीक है। कोई नहीं जवाब देगा है? हेलो, एनीवन? यहाँ पे देखो साइन जो लगेगा वो ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस अवेलेबल कंपेरिजन टू एनिलीन, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। और ये ऑर्थो इफेक्ट, और एक चीज और कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। इन दो कारणों से जो है कि यहाँ पे ये ऑर्थोमेथिन एनिलीन बी बेसिक है देन द एनिलीन, ठीक है। तो ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज मोर बेसिक देन, विच वन इज मोर बेसिक एंड वाई देन एंड एंड वाई। कुछ कंपाउंड भी है, बताना है कि कौन इसमें से मोर बेसिक होगा और क्यों होगा। ये दिया हुआ है CH3NH2 एंड ये रिंग बना हुआ है, रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बताना है इन दोनों में कौन मोर बेसिक होगा, विच वन विल बी मोर एंड मोर बेसिक। तो अगर अभी देखा था हम लोगों ने कि अगर कई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए तो एल्काइन ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो दिस वन विल बी मोर बेसिक बेसिक एंड दिस वन विल बी लेस बेसिक। क्यों होगा लेस बेसिक? क्योंकि यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो लोन पेयर जो है कि देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो लेस बेसिक, लेस बेसिक हो जाएगा, ठीक है, ओके। आवाज आ रही है मेरी? ओके, आ रही है मगर रिस्पांस नहीं दे रहा। तो हमने अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। अब इसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन अरेंज वाले हैं, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें एरोमेटिक में, ठीक है। हेलो, इसका रिलीजन वाले क्वेश्चन एक दो और देख रहे थे हम लोग, फिर ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपक केमिकल, केमिकल केमिकल फेस टू
डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश ऑलविन कंपाउंड कंपाउंड बुक में कहीं नहीं दिया हो इसको नोट कर लेना, जरूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहला कंपाउंड है एथिल एमीन एनमी, एथिल एमीन एंड एनीन, एनीन और मेथिल एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक है, इसके अलावा एनीन और बेंजाइन एमीन, एनीन एनीन एंड बेंजाइन एमाइन, ठीक है। आई होप ये हो जाएगा क्वेश्चन। एनीन का फार्मूला सबको पता है, यहाँ पे एच टू जुड़ा होगा, और बेंजाइन एमीन का भी फार्मूला सबको पता होगा, यहाँ पे सी एच टू एन एच टू होगा, ठीक है। तो इसमें से अब इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे कि हमें जो है कि इसको हम डिस्टिंग्विश कर पाए, पता कर पाए, क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे यहाँ पे? बोलो भाई, कौन कौन से टेस्ट हैं ये तो पता है ये सबको, ये तो सबको पता है कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे होते हैं, हैं? कैसे पता एथिलीन और एनीलीन के बारे में, क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, बोलो भाई क्या होगा आंसर, बोलो इसमें क्या हम करेंगे, कैसे पता करेंगे ये मेथिलीन है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है डाई एजो टेस्ट, एजो टेस्ट, जो डाई एजो टेस्ट देगा वो एनिलीन होगा, जो देगा वो एनिलीन होगा, बाकी एथिलीन जो होती है वो डाई एजो टेस्ट दे देती है, ठीक है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए डाई एजो टेस्ट करेंगे, जो कि बेंजीन रिंग में बहुत आसानी से दिखाई देता है। चलो ठीक है, एनिलीन और बेंजाइन एमीन को अगर पता करना है तो क्या करना होगा, इसको भी एनिलीन और बेंजाइन एमीन, देखो बेंजाइन एमीन यहाँ सी एस टू है, तो अब देखना है कि कौन जल्दी से ये जो डाई एजो टेस्ट देगा, यहाँ पे भी हम डाई एजो टेस्ट यूज कर सकते हैं, डाई एजो टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट होता है एनिलीन और बेंजाइन एमीन के लिए, ठीक है। इस सी एस टू के कारण जो है, सी एस टू के कारण ये ज़्यादा बेसिक हो गए कंपोजिशन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है कि डाई एजो टेस्ट अगर करेंगे तो ये जितना प्रॉब्लम डाई एजो ये बनाएगा उतना प्रॉब्लम ये नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है कि डाई एजो टेस्ट की मदद से हम इसको पता लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से एक बार कुछ दूसरे तरीके से भी टेस्ट किए जा सकते हैं, दूसरे तरीके से टेस्ट,
क्वेश्चन है, गिव ए केमिकल टेस्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एथाइलेमीन, तो सेम है एनिलीन एंड इथाइल एमाइन, ठीक है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है एथाइलेमीन एंड डाइमेथिलेमीन, एंड एथिलीन एंड डाइमेथिलीन, मेथिलीन, ठीक। कैसे इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे? एक तरीका तो हम लोगों ने देख लिया कि डाइमेथिलीन की मदद से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो एक फिर यहाँ पे पहले वाले केस में तो डाई में भी डाई में भी टेस्ट कर लेंगे, ठीक। और इसके लिए हम लोग जो कार्बिनल भी टेस्ट कर लेंगे, कार्बिनल टेस्ट यहाँ पे कर लेंगे, कार्बिनल टेस्ट कर लेंगे, आराम से पता लग जाएगा कि कौन क्या है, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे टेस्ट वाले क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हम कन्वर्जन देख लेते हैं। नेम्ड रिएक्शन सारे जरूर देख लेना तुम लोग, कन्वर्जन रिएक्शन। कन्वर्जन रिएक्शन किसको कन्वर्ट करना है? नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, ये नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। इसके अलावा एथेनामाइन से इतने कन्वर्जन करने हैं, ठीक है। कन्वर्जन अगर ये सब तरह के कन्वर्जन अगर हम कर लेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कन्वर्जन कैसे करेंगे हो जाएगा, हो जाएगा
कन्वर्जन हो जाएगा। पहला है नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल कैसे होगा? तो पहले इसको करने के लिए हम नहीं तो लोग बोलोगे भाई जो भी बोलोगे नहीं बोलोगे तो कुछ कहना नहीं चाहते, नहीं तो कहोगे कि बुरा बुरा बोलते हैं। बेटा तुम जो सामने है पहले उसको जरूर भेजना चाहिए। इसको हमें रिडक्शन करेंगे HCl और SN के साथ पहले वाला नाइट्रो बेची है, ठीक है। पहला वाला जो कंपाउंड है वो नाइट्रो बेची है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे हम और रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन से तो ये NH बन जाएगा। इस NH2 का जब रिएक्शन कराएंगे NaCl और प्लस NaNO2 सॉरी NaNO2 और प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रिएक्शन कराएंगे तो डाइएल्काइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे डायमोनियम बन जाएगा N2Cl बन जाएगा, ठीक है। अब इस N2Cl को अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे उसके बाद एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये फिनॉल बनके तैयार है। सॉरी पहले हमने क्या किया NO2 को नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर दिया SN और HCl के प्रेजेंस में और इसके बाद NME बन गया। इस NME का डाइएल्काइलेशन करा दिया NaNO2 और HCl के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में तो यहाँ से जो है कि पहले ये डाइलोनियम साल बन जाएगा और ये डाइलोनियम साल वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड में फिनॉल दे दिया फिनॉल, ठीक है। ये क्या दे दिया? फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। फिनॉल बन के तैयार हो, ठीक। अगला कन्वर्जन हमारा क्या था? अगला कन्वर्जन क्या था हमारा? अगला कन्वर्जन था एलिनिन टू फ्लोरोबेनजीन। हमारा टारगेट क्या है? एलिनिन टू हमारा अगर इंग्लिश तो क्या बनाना है? क्या बनाना है भाई? फ्लोरोबेनजीन। ये बनाना है कैसे? क्या होगा? बोलो। तो पहले यहाँ डाइलोनियम साल बना लेंगे HNO2 के साथ ही अगर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो पहले ये डाइलोनियम साल में क्लियर करें। और फिर इसके बाद साइड में रिएक्शन करा देंगे CuCl तो यहाँ से हमारा जो है कि ये बन जाएगा हमारा Cl और N2+ बाहर निकल जाएगा।
गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन बनके तैयार हो गया। आई बात समझ में?